बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया, मैं आपको बताऊंगी। मैं लोग को इनसे पूछना क्या हुआ यार मेरे साथ, कमर तोड़ी कमर में खींच के मारा है सब। दो महीने के लिए, हाँ तो अब डाउन सुपर फास्ट टीटी पकड़ेगा, टीटी क्यों पकड़ेगा भाई, इसका तो टूट भी नहीं रहेगा, नहीं बताओ कब गले। हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, और आज मैं अपना पूरा व्लॉग शूट करूंगी अपने नए वाले फ़ोन से, वन प्लस वाले से। तो आप लोग बताना डिफरेंस दिख रहा है या नहीं, मुझे तो खुद दिख रहा है उस वाले फ़ोन का, इस वाले फ़ोन का। मैं वीडियो बना रही हूँ तो अलग ही पता चल रहा है। तो अब मैं व्लॉग बना, आज मैं मतलब गई नहीं वहाँ पर जहाँ मैं जाती हूँ ग्वालियर, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है, मतलब मेरे पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने लीव ले ली। तो आज मम्मी के भी दर्द हो रहा है थोड़ा कंधे में, तो मैं मम्मी की थोड़ी हेल्प कर दी थी मम्मी के लिए, मम्मी को भूख लग रही है तो उनके लिए रोटी बना देती हूँ। तो चलो आज मैं मतलब व्लॉग शूट करूँगी आज पूरे दिन का, नए नए फ़ोन की एक्साइटमेंट में। चलो चलते हैं। आज योगिता बना रही है खाना, क्योंकि मेरे शोल्डर में पेन हो रहा है। मेरे भी पेन हो रहा था इसलिए मैं घर रुकी थी, बट इनका ज्यादा हुआ, मुझे ज्यादा हुआ, मतलब बराबर पड़ रहा है मम्मी के लिए। मैं ज्यादा नहीं, बस मम्मी को खिला दूंगी, फिर मम्मी सबके लिए बना देंगी रोटी। देखते हैं कैसे। ये खाना बनाती नहीं है बिल्कुल, किचन में आना इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ ये लोग किचन में आने का सबसे बड़ा आलम है, किचन में आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। तेरी रोटियां कैसी बन रही है? जल गई, मैं सोच रही हूँ भूलने के चक्कर में जल और गई है, पता नहीं जैसे ही बन रही है अब खानी पड़ेगी। तो गाइस आज ना मतलब क्या बोलते हैं, आज ना ग्रहण भी लगने वाला है, सूर्य ग्रहण अभी लग जाएगा 2:30 बजे से, और शाम को खुलेगा 6 बजे तक, 5:30-6 बजे तक। तो आज ग्रहण भी है वैसे भी तो, और ना मेरे को अभी एडिटिंग करनी है एक ब्लॉग की, तो मतलब मैंने कल नहीं करी थी तो मैं अब करूँगी, और आज ना उसको दोपहर में ही डालूंगी। तो मैं एडिटिंग करने के लिए बैठती हूँ, हाँ बस खाना नहीं खाया, खाना खाऊंगी पहले, मैं एडिटिंग कर लेती हूँ उसके बाद बीच में यह खाना खा लूँगी, मम्मी वगैरह खाएंगी तभी। तो चलो एडिटिंग कर लेते हैं। तो गाइस ये बना है सिंपल सा खाना, बैंगन आलू की सब्जी, और ये बनी है प्याज वाली सब्जी, प्याज टमाटर वाली, जो कि बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी सी, और रोटी। तो खाना स्टार्ट करते हैं। देखो जेड़ की दी अपने, मैं कहती हूँ भाई ये पागल लड़की, इसको पागल जब नाम से वो किया करो, पता है वो गीले कपड़ों वो घड़ी गीले कपड़ों को उठा कर ले आई, पकड़ अपने लिए कंफ्यूज हो गई कैमरा आगे चालू होते। ये ब्लॉग अपलोड कर रही है और सारे कपड़े बिखरे पड़े हुए हैं, इनको तो है ना रख के उसको ब्लॉग अपलोड करती है, अभी ब्लॉग अपलोड करके रखती। गाइस यहाँ पे हो रहा है मेरा ब्लॉग अपलोड, तो मैं यहाँ ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ अपना। तो आज मैं लेट हो गई थी, तो आज मैं ना मतलब बहुत लेट ही हो गई है समझो, तब मैं ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ। गाइस ब्लॉग को अपलोड करना एडिट करना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है, इसमें भी बहुत टाइम लगता है करने में, तो कम से कम मुझे मतलब 1-1.5-2 घंटे हो गए मुझे, अब भी अपलोड हो रहा है, अपलोड तो हो गया तुरंत ही, वरना अब ये मतलब पूरी फुल प्रोसेस हो गई, अब देख सकते हैं आप जाके देखो, जब तक आप इस वीडियो को देखोगे तब तक उससे पहले ही मैंने अपलोड किया उसको देख चुके होंगे। गाइस देखो यहाँ पे मम्मी मेरा देख रही है ब्लॉग, कैसा लग रहा है मेरा ब्लॉग? अच्छा लग रहा है मम्मी 2 बार देख चुकी है जब से देखे जा रही है, सही लग रहा है फोन आ गया मेरा। तो आप लोग भी देखा करो ब्लॉग, सब कमेंट किया करो। गाइस आप लोग भी इसी डेडिकेशन के साथ मेरे ब्लॉग्स देखा करो, और फिर ना उनको मस्त उन पर कमेंट किया करो, लाइक किया करो भर भर के, और शेयर भी किया करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में सब जगह पे। गाइस इसका तो टूट भी नहीं रहेगा, नहीं बताओ
कब गले तो गाइस यहाँ पे मैं और मम्मी लगे हैं गन्ने चबाने हैं। दादा की अच्छी खासी एक्सरसाइज हो रही है तो मम्मी मेरे को ही चील चील के दे देंगे। मेरे में चिल नहीं रहा, पूरी ताकत लगा रही हूँ फिर भी। देख लो, ले और ले। ऐसे ही है तो अब मुझे चील के देगी। पागल लड़की है, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं कर पाती, खा पाती। जहाँ तक तो सही जगह कुछ नहीं आता, जब ये कुछ नहीं खा पाती सब खा लेती। जब मम्मी मुझे खवाते हैं आते चम्मच से मुंह में डाल डाल गया कई बार। बस में चले तो वो ही खा ले। ऑर्डर कर ले खाना जानती है। गाइस अभी पता है शाम को बस एक डेढ़ घंटा बचा है ग्रैंड खुलने में, फिर उसके बाद सारा काम फिर करो, वही झाड़ू पोछा, मतलब ग्रैंड खुलता है फिर उसके बाद पूरा वही सुबह का रूटीन दोहराना पड़ता है, पूरा काम फिर से हो जाएगा आज। डबल डबल मेहनत, मर गए आज तो। कितने ग्रैंड पड़ रहे हैं, एक दिन अभी पड़ा था दिवाली के मतलब एक दिन पहले बाद में ही, अब फिर पड़ गया। अब मैं बोल रही थी ना सुबह, सॉरी सूर्य ग्रहण नहीं, सॉरी चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, मेरे को पता नहीं था। The next day. हम लोग पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे जहाँ हम लोग कोचिंग के लिए जाते हैं, वही कोचिंग, वो कोचिंग नहीं सो रही, हाँ इंटर्नशिप के लिए भूल गए, वही बोरिंग था डेली डेली, पक गया बहुत ज़्यादा। सच्ची में सबसे ज़्यादा पता क्या दिक्कत है, सुबह उठने की दिक्कत है, उठ नहीं पाते हम लोग सुबह, दिमाग खराब हो जाता है। अब आप लोग सोचो सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियाँ में तो हमारा क्या ही होगा, कैसे हम लोग उठेंगे, इतने लेजी किस्म के इंसान हम, उठा भी नहीं जाएगा, कितने लीव लिया करेंगे फिर हम। और पता है सर्दियों में तो जिस ट्रेन से हम आते हैं पैसेंजर वो भी बंद हो जाती है, पैसेंजर के सटल है दो महीने के लिए। हाँ तो अप डाउन वाले इसी से आते हैं, हर कोई आता है, लौटते चाहे जो भी ट्रेन में बैठ जाते, चाहे हम मतलब ताज हो और मतलब सुपर फास्ट भी, टीटी पकड़ेगा, टीटी क्यों पकड़ेगा, मैं एमएसटी से जाती हूँ, रेगुलर वाले हैं, बहुत बार आया टीटी उसने कुछ भी नहीं बोला, हम लोगों ने मतलब एमएसटी देखा। गाइस और ना यहाँ पे जो स्टेशन आते हैं हम लोग, स्टेशन की जो वो वाली लिफ्ट जो तो वो सीढ़ियों वाली जो क्या होते एक्सेलेटर, वो कभी चालू नहीं रहती भाई, पता नहीं काहे के लिए लगवा रखी है ये, कभी कभार ये चालू रहती है। आज मेरे साथ बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया, मैं आपको बताऊंगी। गाइस बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। आज ना मैं रेड कलर की मतलब शर्ट पहन के आई, तो एक गाय ने मेरे को इतना तेज मारा है ना आज, मतलब बच गई है सब लोग, इनसे पूछना क्या हुआ है आज मेरे साथ, कमर तोड़ी, कमर में खींच के मारा है सब।
गाइस देखो ये बैठी हैं दो डाकू, डाकू बोलेंगे इनको। और ये नहीं फेस कवर करती है, बिना फेस कवर रहती। तो गाइस आप इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं, मैं घर पे आ चुकी हूँ और मतलब अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो अब बस मैं थोड़ा रेस्ट वेस्ट करूँगी, कपड़े वपड़े चेंज करूँगी। आज मेरे को इसी, मैं यही शर्ट पहने थी रेड कलर की, इसी शर्ट मतलब यही शर्ट मुझे लगता है गाय बोलते हैं ना कि गाय और सांड मतलब रेड कलर से बहुत वो करते हैं, तो मेरे को यही मतलब सबसे पहले उसने मुझे ही पकड़ा, मुझे सींग घुसेड़ दी उसने, भयंकर लग रही आज मेरे। चलो कुछ नहीं, बच भी गई साथ ही साथ, तो अब मैं थक चुकी हूँ, तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे एक और न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय गाइस।